मेथी का पराठा बनाने के लिए हमने फ्रेश हरी मेथी ली है, जिसे हमने धोकर साफ कर लिया है। मेथी हमने 150 ग्राम ली है और हमने लिया है 150 ग्राम गेहूं का आटा, 150 ग्राम मक्की का आटा, 1 इंच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 शिमला मिर्च, 2 लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च जिन्हें हमने बारीक काट लिया है, 1 बोल दही। मेथी का पराठा बनाने के लिए हमें मसाले चाहिए, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच अजवाइन और स्वाद अनुसार नमक। अब हम मेथी के पराठों का सॉफ्ट डो तैयार करते हैं। अब हम इसमें सारी सामग्री मिक्स कर लेंगे। मक्की का आटा, अदरक, शिमला मिर्च, लाल मिर्च जो हमने फ्रेश ली है, हरी मिर्च। अब हमने सारे मसाले इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें दही मिलाएंगे। दही मिलाकर अब हम इसमें आवश्यकता अनुसार पानी मिलाकर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। पराठे का हमारा सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। अब हम पराठा बनाते हैं। पराठा बनाने के लिए एक बोल लोई बनाते हैं। अब हम इसको बेल लेते हैं। ये थोड़ा पराठा मोटा ही होता है। अगर आपसे नहीं बेला जाता है तो आप पॉलिथीन नीचे लगा लीजिए, फिर बेल लिए। हमने गैस पर नॉन स्टिक तवा गरम रख दिया है। अब हम पराठा सेकते हैं। ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं और वेजिटेबल ऑयल में भी बना सकते हैं। दोनों तरफ से अच्छे से सेक लीजिए। जब हमारा पराठा दोनों तरफ से सिक जाए तब आप प्लेट में निकाल लीजिए। हमारा पराठा दोनों साइड से सिक गया है। अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं। हमारे मेथी के पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। हमने इन्हें दही और आंवला हरी मिर्च के अचार के साथ में सर्व किया है। ये मेथी के पराठे आप किसी भी वक्त खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो सफर में लेकर जा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट है।